हेलो भाजी, नमस्कार। तक कंचन आप लोग सब, तो आप भी देख सकते ब्याली जो बादल फटिया खतरनाक वाला, तो ब्याली जगह जगह आप देखिए हमारे देवप्रयाग में भी और बोंटक में भी आप देख सकते हैं। ये देखा बोंटक के हालन हो यहाँ एक पूरा एक पूर्वी लोगों शहर चल गए, जो शहर से नियम हो गए पलतर पर आधा शहर लोगों फंड चल गए, बेड़ में दुई दुकान से भी फंड चल गए, सब टूट टाटिक बराबर हो गए नियम हो गए। ये देखा बोंटक हाल और देवप्रयाग में जो गदना कैच मच बनी हूँ, तो ये पहली बेटी लोगों ये पर विवाद से ये कैच मैंने बना तुम और तब भी बड़ा ही म्यूनसिपाली कॉरपोरेशन नहीं हुई हूँ वहाँ गादी उजड़ गई। और ये देखा पुलिस वाले ब्यारिक जो मैं दिखाऊँ तुम जन ब्यारिक अभी छे नया एक मुख्यमंत्री जी हमारे विनोद कंडार जी विधायक और सुबोध उनियाल जी चला जी अंगने देखा सीताराम बैजिक जुबानी क्या क्या प्रश्न हूँ क्या क्या सवाल हैं चला जी। दोस्तों प्रणाम, जय बद्री विशाल, मैं सीताराम आप सबके बीच में। आज हमारे क्षेत्र में जो देवप्रयाग में आपदा आई थी, तत्कालीन मंत्री सभी क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और आपसे आशा मेरे कुछ सवाल होंगे। माननीय युवा आदर्श विधायक जी हमारे देवप्रयाग के, मेरे इनसे सवाल विनोद जी, ये मेरे परम मित्र भी हैं और राजनीतिक तौर पर लोग कहते हैं कि हम शत्रु हैं, मित्र हैं आपस में, आप हमारे बहुत सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए विनोद जी, अच्छा ठीक है। आज कुछ थोड़ा बहुत प्रश्न होंगे मेरे माननीय, भाई जी प्रणाम, जय बद्री विशाल, सीताराम और स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक है। जय बद्री विशाल, आशीर्वाद जी। आज थोड़ा दूरी बना के रखो, एक एक करके अपनी बात में रख लो सब। घर पिछना रहा है क्या करीब बोल रहा हमने ज्यादा भीड़ तब एक एक करीब आप टीडो बना चल भाई तो जितने भी आपदा हुई है आपसे ही अनुरोध है कि थोड़ी राहत हमको दी जाए, दूसरा जो है जितना इनके आकलन दे रखा है जिस व्यापारी का जितना नुकसान रहा है उसके विषय में आप विचार करें और हमें जो है रोजगार दे दें। थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, उन लोगों को सजा दी जाए जिन्होंने जानबूझ करके ये कार्य किया है। मैंने इसकी आपत्ति भी लगा रखी है, हाई कोर्ट में भी लगा रखा है, मैंने यहाँ नगर पालिका को लिखित रूप में कहा है भाई वो कागज किसके पास है, अरे कहा हूँ कागज कागज मैं अभी आपको कागज, मैंने नगर पालिका कागज दिया है, मैंने कहा ये आप हमारे लिए मौत का कुआं खोद रहे हैं, ये मौत का कुआं खोद रहे हैं आप हमारे लिए, जानबूझ करके यहाँ के अध्यक्ष द्वारा हमारे लिए ये काम किया गया है और जो है इसी का कारण अगर आज ये नहीं बनाया जाता यहाँ पे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग ध्वस्त नहीं होती और इतने लोग बेरोजगार नहीं होते। तुरंत मैं तो ये कह रहा हूँ प्रशासन से मेरी ये मांग है, हमें कुछ नहीं चाहिए,
पहले उन लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने जानबूझ करके ये कार्य किया है। और जिसने बादल को ऊपर छोड़ा उस पर क्या करना आप भी लाइव चल रहे हो आप थोड़ा आपके पास पावर है आप जो है फौरी राहत पे जो है आप घोषणा करेंगे आप इस इलेक्शन पे तो पिछले जा रहे हैं रोजगार का सब थोड़ा पीछे नरेश्वर मेरा आपसे एक आग्रह भर गया है कि इतने छोटी सी जेसीबी ला करके इस सारे मलबे को काटते हैं तो कर ले चिंता नहीं करो आराम से आपसे आशा साहब आप हमारे सांसद आप हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के भाई तीरथ सिंह रावत जी सर आंखों के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ शाम को चूल्हा जलाने के लिए नहीं है भाई साहब आप ही के लिए शाम होना थोड़ा भगवान की कृपा होगी कि कोई गए नहीं समझो कम कृपा की माने मंदिर जी ये थोड़ा ये जो लॉकडाउन में हो तो भैया 50 आदमी मर जाते हैं बहुत मर जाता है ये तो सही कह रहा हूं 50 दुकान है ना ऊपर कर्फ्यू के कारण आप लोग सर बहुत गांव में भी आपदा रखी है बादल फटे वहाँ पे ना जगह तो अभी नहीं चले फरीदाबाद पर आज आप कार्रवाई करने के बावजूद भी एसडीएम आतंका वर्मा ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि हम इसका ध्वस्तीकरण कर रहे हैं अगर जिसका ध्वस्तीकरण हुआ होता तो जो ना जो पहले भी हम बोल एक ट्रायल भी हाईकोर्ट में लगी विनोद आनंद बटवाल जी की लगाई उसके बाद भी किया चलो ये न्यायालय का काम है पहले जो आज का रोजी रोटी को मिल जाए आप रोजी रोटी की बात करो न्यायालय का मामला न्यायालय में बात करना रोजी रोटी को करा रोजी रोटी को करा जाओ मुख्यमंत्री जो सबसे पहले मन हटा दिया जाए क्योंकि आना जाने का रास्ता यही है तो मैंने केवल निवेदन है कि जो तत्काल इनको राहत दी जा सकती है पुलिया टूट गई है आपकी तरफ से मैं देखियो तो कई बार अरे भाई यार मुझे पुलिया टूट गया माफ दीजिए कि आज आप आए हो तो आप कुछ ना कुछ है ना इनका मैंने कल भी आपसे बात की थी मैंने तो कल ही बात कर दी थी तो जो जो जिसका नुकसान हुआ है तो उसका एक आंगन तैयार करवा लीजिए बोल दीजिए सारा आंगन तैयार हो जाए और जिसका जो भी नुकसान हुआ उस हिसाब से ठीक है ना हमको शासन तो भेज दीजिए कर दीजिए बाकी दूसरा एरिया था उसका भी एक बना और उसका तत्काल पहली बात तो कि जे सी पी और उससे मलबा साफ करवाया जाए रास्ता बन जाए रास्ता बन जाए लोगों की दुकान खाली हो जाए लोगों का अच्छा सर उसको आज ही से आप शुरू कर दीजिए मलबा वाला काम सर इनका जितना भी नुकसान हुआ वो सब इनसे पूछ करके याद करके उसका एक आंदोलन तैयार करिए संगम मंदिर का विकास कर रहा हूँ बात जो तो सर अब सर सर कुछ फौरी राहत बोल जाए तो कुछ कहा ना चुल्लू झगड़ो तो बोलिए चुल्लू झगड़ो नहीं इमीडिएट वाला तो कुछ ना कुछ फौरी राहत दे जाए ग्राम सभा में भी हुआ है ना ग्राम सभा में भी नुकसान हुआ है सर उनके जो खेतों में बॉन्ड में हाँ जी आपकी विधानसभा में भी है बॉन्ड का भी पता है मुझे टूट गए लोग वहाँ सब खेत वगैरह सब टूट गए ना मैंने डीएम से बॉन्ड का मेरे यहाँ कभी बात कर रही है मंत्री जी साथ में बात होगी आपकी भी बात हमारी बात है आईटीआई चलती थी उसका आप मतलब क्या होगा कहाँ चलेगी क्या होगा उसका देखिए उसका वैकल्प भी आज जगह बताइए पैसा भी आया कहीं अस्थायी जमीन यदि मिलती है तो हम उसको परमानेंट तैयार कर देंगे तो यदि हो रखा है ऑनलाइन अभी क्लासें तो चल नहीं रही अभी तो अभी जरूरत भी नहीं है किराए पे लेने की यहाँ पर बाँ बाजार में किराए पे चला दो ऐसा है इसका पैसा सैंक्शन है
हैं और वो जो जमीन आप बता रहे हैं उसको उसके नाम पे ट्रांसफर करते हुए उस पर भी हम कार्रवाई शुरू कर ले। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए किराए पे चलते रहे और वहाँ इसको तो बंद कुंडा गए ना रोड में है, जब जल संस्थान का हेड ऑफिस था वहाँ पर चालू करवा लो। फिलहाल यहाँ पर है बाम बाजार में बरात घर में, वहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है, वहाँ दो तीन साल यहाँ पर करवा लो। आई टी आई वहाँ पर जब सर सुरेंद्र भाई मेरे एक सवाल है। हमारे तो सारे दुकानें बंद है, रुक जाते हैं, आश्वासन दिया है। अब कैसे देख रहे हैं इस आपदा को, किसी सोशल डिस्टेंस बना बॉर्ड गांव में देवप्रयाग में तो तत्काल हमने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते ही हमने डीएम से बातचीत की है कि तत्काल यहां पर एलडीएम फैसला जो भी हो कि आप खुद जाएं और इनका जो जो भी नुकसान हुआ है उसका आंगन तैयार कर लीजिए। और साथ ही आज फिर हम आए हैं तो निश्चित है कि जो जो दुकानों का जिस प्रकार का भी नुकसान हुआ है उनका नुकसान उस भरपाई को पूरा करने के लिए उस तरह का उसका आंगन तैयार करेंगे, मैंने कहा डीएम को भी। और साथ ही ये पुलिया जो सामने है उस पुलिया को आगे बनाने का काम, ये रास्ता ठीक करने का काम, और आज ही से मैंने कहा कि जेसीपी लग जाए, फिलहाल ये रास्ता क्लियर हो जाए तो ये हम करेंगे। और ऊपर बॉन्ड गांव में भी जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उस क्षति को भी हम पूरा करेंगे। अभी खासतौर पर जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से नदी नालों गधेरों पंधेरों में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से मानकों के विरुद्ध जो है निर्माण कर लिया जाता है, ये बताएं उस पर भी लोगों का जो आक्रोश है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि एक जगह की बात नहीं है। देखें उसको देखेंगे और जो भी उसके लिए नियम होंगे और यदि गलत होगा तो उससे हम देखेंगे आगे क्या कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। लेकिन फिलहाल इन लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, जो आज दुकानें पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं, इनका माल सामान सब जो नुकसान हुआ है उसका पूरी तरह आंगन मारते हुए भरपाई को हम पूरा करेंगे। और साथ ही आरटीआई की बात है तो आरटीआई के लिए भी मैंने ये कहा कि उसके लिए कहीं जमीन ऑलरेडी जो बताया मुझे तो पैसा भी आया है, उसको आगे हम खड़ा कर लेंगे। फिलहाल के लिए कहीं किराए पे देख लें देख लीजिए करेंगे। अच्छा इस समय खास तौर पर जिले के प्रभारी साथ में, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ आए हैं, किस तरह से देख रहे हैं कि प्रभारी है इस जिले के, आप बुनियाद साहब ये बताएं कि अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ आ पाए हैं, आपने खुद भी मौके का निरीक्षण किया, कैसे देखें? देखिए प्रदेश के मुखिया ने जब कह दिया हो कि जो लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, आईटीआई के लोगों ने कहा कि जिस तरह से आईटीआई के पूरा भवन ध्वस्त हुआ तो जल संस्थान का एक भवन खाली है उसमें फिलहाल तात्कालिक तौर पर वहाँ चल जाएगा, क्योंकि इस समय कोविड के कारण सारे स्कूल्स बंद हैं, कक्षाएं तो चलनी नहीं है, तो फिलहाल ऑफिस वगैरह वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और उसके बाद शीघ्र ही नई बिल्डिंग का निर्माण करा दिया जाएगा। और ये प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल हमारे साथ जो है, तो मित्रों आपदा प्रबंधन मंत्री हमारे साथ ये थे, साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाई तीरथ सिंह जी, उनके साथ कैबिनेट के और ये मेरे पीछे धन सिंह जी। और आज सुबोध उनियाल जी मैं उनके साथ में आया हूँ। मैं कह सकता हूँ कि एसडीआरएफ की जो भी मानक है उस मानकों के अनुसार हम सबको मुआवजा भी देंगे। आज डीएम को भी और एसडीएम को भी समय से आदेश कर दिए हैं कि तुरंत इनके मानक जो है जो भी मानक होंगे उनके अनुसार सबको जो है राहत। हाँ अभी खासतौर पर हम लोग देख रहे हैं कि इसी महीने जो है टिहरी जिले में आई है, चमोली जिले के घाट ब्लॉक में जो काफ़ी रही, लगातार जिस तरह से ये हो रहा है क्योंकि इस वक्त तो होता नहीं बहुत ज़्यादा, तो आप कैसे देख रहे हैं कुछ आपदा प्रबंधन मंत्री के तौर पर विशेष तौर पर कुछ करने जा रहे हैं? देखिए हमने पहली बार 27 जगह देखिए मेरे साथ थे अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भाई तीरथ सिंह रावत जी आए हैं क्षेत्र में दौरा करने के लिए, देखने के लिए स्थिति और परिस्थितियों को जानने के लिए आखिर कब तक उत्तराखंड आपदाओं की भेंट चढ़ता रहेगा। एक विषय है, एक प्रश्न चिन्ह कहीं ना कहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर कब तक आपदाएं आती रहेंगी और गरीब आदमी ऐसा पिसता रहेगा। तो आप सभी का जुड़ने के लिए मित्रों धन्यवाद, आपके साथ शाम को फिर जुड़ूंगा।
विशेष मुद्दों के साथ बहुत से अच्छे लोग रहेंगे जिनके साथ वार्तालाप होंगी। देखते आगे क्या होता है, प्रोटोकॉल इनके साथ है। बात नहीं हो पाती है ना, अपने प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ चंद गिने चुने सवाल ही कैमरामैन उनसे पूछ सकते हैं। आखिर इतने दूर आए हैं, मेरे साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं इधर पीछे। तीरथ भाई का अपने आप में एक अलग अपना वर्चस्व है, अपना एक लोगों के बीच में अपना एक अलग स्थान है, अपनी एक गरिमा है। मैं उनके विचारों से खुश हूँ तीरथ भाई के, क्योंकि उनके अंदर बड़प्पन नहीं है, न घमंड है, न अहंकार है। इस चीज़ के लिए हम उनका सम्मान करते हैं। आप सबके साथ फिर जुड़ेंगे लाइव इन्हीं शब्दों के साथ। जय बद्री विशाल, जय परशुराम मित्रों, आपका दिन मंगलमय हो।